देखिए 31 जुलाई को वो रैनकूट हिंडालको से एक ट्रक लगभग 30 टन एल्युमिनियम की रोड्स थी उसके अंदर, उसको जाना था JSW पुणे। उसी में एक गाड़ी थी जिसमें एक ड्राइवर और उसका एक साथ में जो था, वो दोनों इस गाड़ी को लेकर निकल गए। मालिक को जो पता चला, जिसने ये सामान बुक कराया था, कि गाड़ी की लोकेशन वहाँ तक मिल रही है, उसके बाद नहीं मिल रही है। तो इस पे पिपरी पुलिस ने काफ़ी काम करा, सर्विलेंस SOG ने मिलकर काम करा था। काम करने के बाद दो लोगों को पीछे पकड़कर एक स्कॉर्पियो गाड़ी को पहले इसमें जेल भेजा जा चुका है, बाकी की फिर लोकेशन मिली। तो आज फिर दो गाड़ियां ट्रक दो ट्रक मिले हैं आज हमको, और उसके अलावा एक I-20 गाड़ी है और एक स्कॉर्पियो पहले जा चुकी है, और 10 टन माल भी बरामद है। और आज हमारे पास में दो तीन अभियुक्त हैं, अजमत, फजल और इस्माइल, इनको जेल भेजा जाएगा। इसमें विद्यासागर और वसीम दो पहले जेल जा चुके हैं, और इसमें अभी तीन वांछित और हैं हमारे, वारिस, राजा ड्राइवर और ओम सिंह। और जो मूल गाड़ी थी जिससे सामान लेके गए थे, इसको टेम्परिंग किया गया था, वह गाड़ी भी अभी बची है, उसकी बरामदगी भी शेष है। जल्द ही इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और बरामदगी भी कर ली जाएगी। कितने का माल पकड़ा गया है? 10 टन आज पकड़ा गया है। कीमत कितनी? 31 लाख के आसपास की कीमत है इसकी। तेंदुपुर में भी आपराधिक इतिहास रहा है? यही काम करते हैं मुंबई में, यही काम करते हैं। एक MIDC जगह है जहां पर माल को खपाने का कबाड़ियों के पूरा मार्केट है, जो कि आप पहुंचाने और बिकने में देर नहीं लगती है। वो पूरा ग्रुप यही काम करता है इनका। हाँ, पूरा ग्रुप ही यही काम करता है, इस तरह की बुकिंग लेने के बाद निकल जाते हैं।